आज मैं बनाऊंगी कुंदरू की सब्जी। कुंदरू, ये कुंदरू है, ये डायबिटीज वालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है और वैसे नॉर्मल खाने में भी बहुत अच्छा होता है। और ये बनना इसका बहुत ही इजी, मैं आपको रेसिपी बताऊंगी जिसमें कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं पड़ेंगे और ये फ्राई बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ जो कि बहुत ही कम है। ये हमने लिया है 1/2 किलो कुंदरू। मसालों में मैंने लिया है नमक, मिर्च, हल्दी, हींग और आमचूर पाउडर, और थोड़ा सा मैंने लिया है लहसुन और 2 लाल मिर्च। ये वाली जो हमारी हरी मिर्च कई बार रेड हो जाती है उस टाइप की फ्रेश हम लेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए। ये थोड़ा सा स्पाइसी और थोड़ा खट्टा बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कुंदरू को हमें कैसे कट करना है। कुंदरू के सबसे पहले हम ये ऐसे साइड्स निकाल देंगे, ऐसे करके दोनों तरफ से ऐसे इसको निकाल देंगे। ये देखिए दोनों तरफ से, अब इसको हमने राउंड शेप देना है इस तरह से। ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे पहले। ये देखिए ऐसे राउंड शेप देना है अपने से। ये बहुत ही हेल्दी सब्जी है और इसका अपना ही टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमें कोई ज़्यादा मसाले डाल के इसको, इसकी रेसिपी को हमें डोमिनेट नहीं करना है इसकी टेस्ट को। ये देखिए गोल गोल मैं काट रही हूँ, बहुत इजीली कट जाते हैं, आप चॉपिंग बोर्ड पे भी काट सकते हैं इसको। ऐसे हमने ये दोनों ऊपर से ऐसे निकाल देना है इसको, और फिर हमें राउंड शेप में चॉप कर देना है इसको। ऐसे ही हम सारे कुंदरू चॉप कर लेंगे। हम इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा जीरा भी डालेंगे, जीरा भी इसमें डालेंगे, जीरे का ही इसमें मेन तड़का लगेगा और ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। देखिए हमने सारे कुंदरू को कट कर लिया है, इतना ही हमें फैट रखना है इसको, थोड़ा मोटा ऐसा, बिल्कुल पतला चिप्स की तरह नहीं काटना है, इस तरह से हमें इसे गोल कट करना है। ये कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये परमल है, ये परमल नहीं, ये कुंदरू है, ये दूसरी वेजिटेबल होती है और ये बहुत ही हेल्दी होती है। ये इसके प्रॉपर्टीज जो हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं कुंदरू के। अब हम लहसुन भी चॉप करेंगे, इसमें हम लहसुन को मैश नहीं करेंगे, ऐसे करके गोल गोल चॉप कर लेंगे लहसुन को भी। कोई भी सब्जी बनाने में हमारा कटिंग बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करता है रोल, क्योंकि उसी से हमारा टेस्ट फ़र्क होना है, अच्छा होना है, ख़राब होना है, वो उस पर बहुत डिपेंड करता है। बस हम ऐसे ही लहसुन को चॉप कर लेंगे, ऐसे ही हम अपनी चिलीज़ को चॉप कर लें। चिलीज़ को मैं चॉपिंग बोर्ड में चॉप करूँगी क्योंकि थोड़ा स्पाइसी होती है, तो इसको हम चॉपिंग बोर्ड में इसको भी गोल गोल ऐसे काट लेंगे। हमारा लहसुन और लाल मिर्च दोनों चॉप हो गई हैं, कुंदरू हमारा चॉप हो गया है, बस अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे। जैसे ही हमारा तेल थोड़ा गर्म हो जाता है हम इसमें डालेंगे जीरा, इसको थोड़ा भुनने देंगे जीरे को। अब हम इसमें डाल देंगे अपने सारे कुंदरू। इसको हिला के हम थोड़ा फ्राई करेंगे, थोड़ा टॉस टाइप फ्राई, पूरा ऐसा डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, थोड़ा टॉस कर रहे हैं। अब इसे सिर्फ जीरे में हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए हमारा कुंदरू फ्राई हो रहा है, थोड़ा सा हिलाएंगे। कुंदरू थोड़ा सा पानी भी छोड़ता है, तो
तो जब देखिए फ्राई हो रहा है तो थोड़ा पानी भी इसका निकल रहा है नीचे, ये ऑयल नहीं है तो इसका पानी है। बस हमने इसको ऐसे हिलाना है थोड़ा। कई बार जब हम दाल चावल बनाते हैं तो हमें होता है कि क्विक सी सब्जी साइड के लिए बन जाए, तो ये वो सब्जी आप बहुत क्विकली इसको बना सकते हैं, दाल चावल में साइड डिश में इसको खा सकते हैं। और वैसे भी ये रोटी के साथ और पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगती है सूखी सब्जी। हमने लहसुन और मिर्च इसलिए पहले नहीं डाली क्योंकि जब कुंदरू फ्राई होगा तो ये हमारा लहसुन और हमारी जो लाल मिर्च है वो ओवर फ्राई हो जाएगी, तो हम जब ये थोड़ा सा हाफ फ्राई हो जाए उसके बाद ही हम इसमें लहसुन और मिर्च डालेंगे, तो उसका जो गार्लिक का लहसुन का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। बस हमारा कुंदरू हल्का सा फ्राई और टॉस हो गया है। बस अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऐसे साइड पे करके, ये अभी भी कुंदरू का पानी है इसमें, बस इस वक्त हमने अपना चिलीज और गार्लिक डाल देना है, इसको भी मिला लेंगे, फ्राई होने देंगे इसके साथ। हम मैंने इसमें लहसुन की जो ली थी क्लोव ली थी वो 6 से 6 लहसुन लिए थे क्लोव बड़े बड़े उसके, अगर आपके छोटे क्लोव हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिएगा, वैसे कम में भी ये टेस्टी ही बनता है। कुंदरू की सब्जी बहुत जल्दी पक जाती है, बस ये ऑलमोस्ट पकने ही वाली है। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम कम करके मसाले डालेंगे इसमें। थोड़ा सा हल्दी, बहुत कम हल्दी, मिर्च भी हम हाफ स्पून डालेंगे क्योंकि हमने रेड चिली 2 डाल चुके हैं हम। नमक, बस इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, मिला लेंगे। मसालों को भी थोड़ा पकने देंगे। कुंदरू को आप हमेशा हाई फ्लेम पे ही बनाइए, ये बहुत जल्दी पक जाता है, नहीं तो अगर स्लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये फ्राई नहीं होगा, स्लो फ्लेम पे बिल्कुल मत बनाइएगा इसको, हाई फ्लेम पे बना के हिलाते रहना है आपने। सब्जी हमारी रेडी है, बस अब हमने क्या करना है, लास्ट में थोड़ा सा इसको से करके अब हींग डाल देनी है, हींग को थोड़ा फ्राई होने देना है। हमने 3 से 4 स्पून ऑयल डाला था, फिर भी देखिए इसने ऑयल अपना नीचे पकने के बाद छोड़ दिया है, ये ऑयल भी बहुत कम लेता है ये वेजिटेबल, और जितनी फ्राई हो उतनी टेस्टी बनती है। ये बस रेडी है, लास्ट में गैस की फ्लेम हम जब बंद करेंगे तभी हम इसमें आमचूर पाउडर डालेंगे, नहीं तो हम अभी फ्राई के समय आमचूर पाउडर डालेंगे तो वो जल जाता है और वो थोड़ा कड़वा कड़वा टेस्ट करता है। बस ये रेडी है खाने के लिए। अब हमने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और अपना आमचूर पाउडर डाल देना है। आमचूर पाउडर भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप मत डालिएगा, मुझे थोड़ा खट्टा थोड़ा तीखा ये बहुत टेस्टी लगता है ऐसे रोटी के साथ खाने में। बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हमारी सब्जी रेडी है, बस अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। हमारी कुंदरू की सब्जी रेडी है खाने के लिए, इसकी प्लेटिंग भी हो चुकी है, ये बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरह से, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।